नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 प्रश्न 4 हम करने जा रहे हैं, इसका तीसरा भाग। प्रश्न है सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है सीकेंट ए साइन ए को सीकेंट ए या कॉस ए के। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए बच्चों, सीकेंट ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सीकेंट का फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉस, प्लस टेन ए, टैन ए का फार्मूला है साइन ए बटा कॉस ए। आशा करता हूं ये प्रश्न फार्मूले आपको याद होंगे। इंटू 1 माइनस साइन ए, इसे हल करते हैं बच्चों। देखिए पहली ब्रैकेट में कॉस ए और कॉस ए, इसका लघुत्तम आ जाएगा कॉस ए, तो ये बन जाएगा कॉस ए को कॉस ए से भाग किया 1 इंटू 1 प्लस कॉस ए को कॉस ए से भाग किया 1 इंटू साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो बच्चों देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यानी कि यहां हो गया 1, कॉस ए गुना 1 हो गया, कॉस ए गुना 1 हो गया कॉस ए। ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर ए। और बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, क्योंकि हमने सरल समीका की थी साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए बराबर है कॉस स्क्वेयर ए के, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए बराबर है कॉस स्क्वेयर ए के बटा कॉस ए। और बच्चों देखिए, कॉस स्क्वेयर ए का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वेयर यानी 2 गुना 2, तो कॉस स्क्वेयर ए का मतलब कॉस ए गुना कॉस ए, यही मतलब हुआ ना स्क्वेयर का, बटा कॉस ए। अब आप ध्यान से देखिए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा कॉस ए, ये हमारा उत्तर आ गया है कॉस ए। तो बच्चों सही विकल्प कौन सा है, सीकेंट ए साइन ए को सीकेंट ए कॉस ए, उत्तर डी कॉस ए इसका सही उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस को देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।